रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल चर्चा करने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त पर। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त या निंद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की निंद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और असफल होने का यह ऐसा फार्मूला है। सफल होने का यह ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत होती है। पौराणिक महत्व वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ की ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुच्च विदित्यम ब्रह्म मुहूर्ते संजाग्रहिच्छे व पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। कमल का फूल भी खिल उठता है। मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है कि उठ जगने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इसीलिए मिलती है सफलता व समृद्धि। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली आयु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में फूर्ति ताजगी बनी रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक व व्यवहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी, समृद्ध तो होता ही है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्य योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय जो मिल जाता है। इसीलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी समृद्ध हो सकता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहता है। जॉब नौकरी करने वाले से बॉस खुश रहता है। बिजनेसमैन अच्छी कमाई कर सकता है। बीमार आदमी की आय तो प्रभावित होती ही है, उल्टे खर्च बढ़ने लगता है। सफलता उसी के कदम चुनती है जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे। अतः स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद अर्थात सुबह सूर्य होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। सूर्य उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है। व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी, ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है, तो जान गए ना आप कितनी अच्छी रहती है हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उसमें प्राणायाम करना या ध्यान करना या योगाभ्यास करना। तो इसी के संग विराम लेती हूँ।